सबके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं और सफलता नहीं मिलती तो वो निराश हो जाते हैं। तो चलिए ऐसी ही एक कहानी में हम चलते हैं। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक बार एक लड़की एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश करी। वो बहुत मेहनत किया उसने, बहुत लगन था उसके अंदर, पर उसके बावजूद भी वो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकी। शायद इस वजह से फिर वो डिप्रेशन में जाने लगी। अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी, और शायद इस वजह से वो किसी से बात नहीं करती थी। सारा दिन पूरे दिन कमरे में बंद रहती थी। उसके पिता से उसका ये दुख देखा नहीं गया। वो सोचने लगी कि अगर मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद भी अगर उसकी यही हालत रही, अगर वो इस तरह से दुखी रही तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी। पिता ने कुछ सोचा और उन्होंने अपनी बेटी को बाहर बुलाया। पिता ने बेटी से कहा, चलो तुम मेरे साथ किचन में चलो। बेटी को अटपटा लगा। फिर बेटी को समझ में आया कि हो सकता है मैं एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पा रही हूँ, पिता मुझसे अब घर के काम करवाना चाहते हैं, खाना बनाना, जैसे कि सबके घर में लड़कियाँ बनाती हैं, तो शायद है ठीक है चलो चलते हैं, कुछ करते हैं, किचन में ही करते हैं। वो अपने पिता के साथ किचन में चली गई। पिता ने पहले से ही गैस के ऊपर 3 बाउल रखे थे। उन्होंने उन बाउलों में जो है पानी डाला गर्म करने के लिए। पहले बाउल में उन्होंने कुछ आलू डाले, 3-4 आलू ऐसे डाल दिए। दूसरे बाउल में उन्होंने अंडा डाला, और तीसरे बाउल में उन्होंने कॉफ़ी के कुछ बीन्स डाले। बीन्स मीन्स कॉफ़ी जिससे बनती है, उसके बीजे होते हैं बीन्स। तो उन्होंने तीसरे बाउल में उसको डाला और गैस को जला दिया, गर्म होने के लिए रख दिया। बेटी बहुत ध्यान से ये सब देख रही थी। उसको समझ में नहीं आ था कि उसके पापा आखिर करना क्या चाह रहे हैं। 10 मिनट बीता, 20 मिनट बीता, 25 मिनट, उसको बिल्कुल मतलब वो उतावली हो गई। उसने पूछा, पापा ये क्या कर रहे हो आप, क्या क्या बनाना चाह रहे हो, क्या आप कोई डिश बना रहे हो, मुझे कुछ डिश सिखाना चाह रहे हो, मुझे बताओ क्या कर रहे हो। बेटी को ऐसे इरिटेटेड देखकर पापा ने कहा, बेटा बस 2 मिनट की और बात है, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ठीक है, 2 मिनट बीता। फिर उन्होंने एक एक कर गैस बंद करी, तीनों गैस बंद किए, और उस बाउल में से अंडा निकाल के एक प्लेट में रखा, सॉरी आलू, सबसे पहले आलू निकाला, फिर अंडा निकाल के एक प्लेट में रखा, और जो कॉफ़ी की बीन्स थी उसको कप लिया, और छन्नी होती है छानने के लिए, उन्होंने उसको कप में छान दिया। बेटी फिर भी बहुत ध्यान से देख रही थी, अच्छा क्या कर रहे हैं पापा, क्या कर रहे हैं, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटी के मन में कई सवाल चल रहे थे। फिर पिता ने बेटी से पूछा, बेटा तुम्हें क्या दिख रहा है यहाँ पर, क्या देख रही हो तुम। बेटी ने एकदम गुस्से से पूछा, क्या सवाल है पापा, आप क्या पूछ रहे हो, मुझे दिख रहा है आप एक प्लेट में आलू है, दूसरे प्लेट में अंडा है, और तीसरे में कप में आपने अभी अभी कॉफ़ी के बीन्स को और कॉफ़ी को अलग किया है, और आप मुझसे पूछ रहे हो क्या दिख रहा है। पिता बहुत मतलब उनको हंसी आ गई, वो बहुत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ आप देख पा रहे हो, बट एक बार आप उसको क्या छू के देख सकते हो, आप टच करो, फिर आपको शायद समझ में आ जाए कुछ। बेटी ने पिता की बात मान ली। उसने सबसे पहले रखे हुए आलू को छुआ। उसने जैसे ही आलू को छुआ, आलू बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका था, एकदम सॉफ्ट हो गया था। उसने दबाया तो आलू एकदम से मतलब उसको अजीब सा लग रहा, सॉफ्ट लग रहा था, ठीक है। और फिर दूसरे प्लेट में अंडा रखा हुआ था, उसने अंडे को छुआ तो अंदर से वो बाहर से वो बहुत सख्त लग रहा था। पिता ने कहा, अच्छा चलो रुको रुको, मैं ज़रा अंडे को छील के दिखाता हूँ, सख्त है कोई बात नहीं, मैं छील के दिखाता हूँ। पिता ने अंडे को ऊपर की उसकी जो परत थी उसने छील दिया। अब बेटा उसको टच करो। तो बेटी ने उसको टच किया तो अंदर से उसको थोड़ा सा हार्ड लगा।
उसके बाद पिता ने कहा, बेटी ये ज़रा कॉफ़ी वाले मग को उठाओ और ज़रा बेटी इसको सूंघो, देखो कितनी अच्छी स्मेल आ रही है इसमें से। बेटी ने कॉफ़ी के मग को उठाया और उसने सूंघा कॉफ़ी को, तो उसके चेहरे, बेटी के चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आ गई उस कॉफ़ी की महक को सूंघते। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कोई अच्छी स्मेल आती तो हम अंदर से बहुत खुश हो जाते हैं, तो उस तरह से वो उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी आ गई। पिता ने बेटी से कहा, बेटा देखा तुमने, ये तीनों एक ही सिचुएशन में उबाले गए हैं और एक साथ बंद किए गए हैं, पर तीनों ने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। तो पहला आलू, आलू को जब हमने पानी में स्टार्टिंग में डाला था तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, यानी स्ट्रॉन्ग, बट उबालने के बाद वो अंदर से सॉफ्ट हो गया, मतलब एकदम वो कमज़ोर हो गया अंदर से। दूसरा अंडा, जैसे कि तुमने देखा कि गर्म पानी में जाने से पहले वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा वीक था, मतलब कमज़ोर था, बट जैसे ही पानी उबलने लगा, पानी में वो जितना उबाला गया, फिर वो बाद में अंदर से स्ट्रॉन्ग हो गया। अब थर्ड है कॉफ़ी, जिसने कुछ ऐसा किया जो इन दोनों ने नहीं किया। उसने वो जैसा था वैसा ही रहा, वो उसने अपने आप को नहीं बदला, बल्कि उसने पानी को बदल डाला। बेटा बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी के साथ भी होता है, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें ज़िंदगी में कैसा बनना है, किसके तरह बनना है, आलू की तरह, अंडे की तरह या कॉफ़ी की तरह। आलू की तरह कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किल आए और तुम अंदर से टूट जाओ, अंदर से एकदम से सॉफ्ट हो जाओ, ऐसे बनना है आपको। दूसरा अंडे की तरह कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी मुश्किलें आए तो तुम्हें वो अंदर से तोड़े नहीं बल्कि और स्ट्रॉन्ग बना दे। और या तो तीसरा कॉफ़ी की तरह बन जाओ, तुम ना सिर्फ उन मुश्किलों का डटकर सामना करो बल्कि अपनी ज़िंदगी को ही बदल डालो। तो बेटी को पिता की बात समझ में आ गई कि पिता उससे क्या कहना चाहते थे। उसको ये समझ में आ गया था कि हमें ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा ऑप्शन हम ज़रूर क्रैक करेंगे। इस कहानी में पिता ने बेटी को दो बातें समझाने की कोशिश करी है। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया कि बेटी को क्या समझ में आया, बट दूसरी क्या बात पिता समझाने की कोशिश कर रहे थे ये मैं नहीं, आप मुझे बताएंगे। तो जी हाँ, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि आपको क्या समझ में आएगी, वो दूसरी बात क्या थी कि एक पिता बेटी को समझाना चाह रहा है। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।